अनी और रतन टाटा, मुकेश अंबानी, इन दो कंपनियों का जीडीपी हमारे मुल्क से ज्यादा है, रिलायंस ग्रुप और टाटा ग्रुप। जो बाइडेन उसके साथ मुसाफा कर रहे हैं ऐसे यार, फर्स्ट लेडी और इसी के हाँ, से वो और ये भी तुर्की गए हैं, आम का तोहफा ले गए, तो वहाँ पे भी वो वजीर आजम आपका दो दिन पहले वो एक जो इन्होंने कर्जे वाली स्कीम में बांटे हैं कि जी हम दुनिया में जा जाते हैं, लोग हमें मंगता समझते हैं, शक्ल देख के कह देते हैं जी हम मंगते हैं। तो जब आपका विजन ही मंगतों वाला रहना है तो आपने स्पेस स्टेशन कैसे फतह करने हैं? पंजाबी से कही देना जी नू जी, बिल्कुल आप इंडिया को आंखें दिखाएं कि जी वो कश्मीर इशू ये तो वो, या हम तो कोशिश करें करते हैं जिस बाती के हम लाल किले में झंडा। सर मेरी बात सुने, आप कश्मीर आजाद ना करवाएं, अच्छा। आप छोड़ दें, ठीक है, हमें चाहिए ही नहीं कश्मीर। मुझे बताएं कश्मीर लेके क्या मिलेगा आपको, कोई उधर सोने की खाने हैं? ये बात कर रहे हैं, ये देखने वाला कोई आपको ये ना कहिए कि बात कर रहे हैं। हम 70 साल एक नारा लगाते रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आप कह रहे हैं चाहिए नहीं। 75 सालों में आपके हालात ये हैं कि आप अपनी आवाम को वो आटा दे रहे हैं जो जानवरों को डालते हैं। बांग्लादेश की जो थी शेख हसीना, उससे एक दफा एक इंटरव्यू में पूछा गया जी बांग्लादेश की जो तरक्की इतने कम टाइम में उसका राज किया है, तो उन्होंने जवाब दिया था जी हमने फौज को सरहदों तक और मुल्लाओं को मस्जिदों तक महदूद रखा है, ठीक है। और हमारे यहाँ पे IIT जो है उनकी एक है वो दुनिया की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में से है, है। हम इधर UET में एडमिशन के लिए रोते हैं जो दुनिया की 500 टॉप यूनिवर्सिटीज में नहीं आती, ठीक हो गया। और UET के भी मैकेनिकल और जो मेकाट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वाले ग्रेजुएट्स हैं वो किधर जा रहे हैं? इतना बड़ा बैच निकलता है, 200 बंदों का एक बैच निकला है, वो 200 बंदे कर क्या रहे हैं भाई? आई थिंक इन द कमिंग डिकेड जो है वो चाइना को जो है वो कहेंगे कि भैया हम अब हम है, ठीक है। आई थिंक दे आर द कमिंग सुपर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गलत करते हैं लोग इंटरनेट का, फाश वीडियोस में सबसे टॉप पे हम, ये दैट्स अ फैक्ट। अगर आप इससे शर्माए तो ये आपकी गलती है, ठीक है। नहीं गलती को जो हमारी ये भी गलती है कि जो हम ये करते हैं इसे फिर एक्सेप्ट करके बेहतरी भी हम ला सकते हैं। अच्छा पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी स्पार्को ठीक है, क्या आजकल रोल पे कर रही है अपना डेवलपमेंट के हवाले से, स्पेस में अपने किसी अचीवमेंट के हवाले से क्या काम कर रही है स्पार्को? आई थिंक इट्स अ डेड इंस्टीट्यूशन दैट शुड बी शट डाउन, ठीक है, क्योंकि अ कपल ऑफ इयर्स अगो जब इंडिया जो था चांद पे जाने के लिए और मार्स पे जाने के लिए तगोदो कर रहा था, उनका एक था आई गेस पृथ्वी उनका कोई था, वो क्रैश हुआ तो यहाँ पे इन्होंने ट्वीट किए कि जी ये कभी नहीं पहुंच पाएंगे, ये तो फेल हो गए हैं। हमने इवन ट्राई भी नहीं किया, अभी उनका रिसेंटली वो फिर उन्होंने मिशन वही लॉन्च किया है और इस टाइम वो 36 कमर्शियल सैटेलाइट्स ले गए, वो दे आर लॉन्चिंग स्पार्को। अभी तक मुझे नहीं लगता कोई 3-4 जो भी है सैटेलाइट्स वो स्पेस में भेज पाया कामयाबी से, ये चाइना से वो चाइना के साथ वो भी मिल के अपनी कोई एक भी सैटेलाइट नहीं, हमारी नहीं है, हमारी कोई सैटेलाइट नहीं है, इंडिया का कोलैब भी रशिया के साथ है, इंडिया के जितने वो अपने तौर पे भी भेज चुके हैं, उनकी जो प्राइवेट कंपनीज है वो बड़ा काम कर, उन्होंने कोलैब किए पहले रशिया के साथ, उन्होंने उनके साथ टेक्नोलॉजी में जो था उन्होंने थोड़ी स्टडी की, उन्होंने थोड़ा एडवांस किया उसमें और वो फिर उसके बाद दे केम ऑन देयर ओन पाथ ना कि ठीक है जी हम। अच्छा आपने इंडिया का जिक्र किया, उनकी स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? आई डोंट नो दैट। इसरो, ठीक है। इसरो की अगर बात करें, अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर US के विजिट पे गए हैं, आपको शायद आइडिया हो बड़ी हाइप है इस चीज की। अच्छा वो इसरो और अपना जो नासा दुनिया की नंबर वन स्पेस एजेंसी है वो मिलके कोलैबोरेट करने जा रहे हैं, मुझे बताएं क्या जरूरत पड़ गई दुनिया की नंबर वन स्पेस एजेंसी को इसरो के साथ कोलैबोरेट करने की? यार ये दिस इज आई वुड से द हंगर फॉर नॉलेज, क्योंकि उनके पास ना एक भूख है कि नॉलेज गेन करने की, हमारे पास वो भूख नहीं है। हमारे हुक्मरान जो है ना वो अभी तक लगे हुए हैं कि वो उसके केस खत्म कर दो, ये कानून अमेंड कर दो, ये 5 करोड़ की करप्शन होगी तो कोई पकड़ेगा, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट। आप मुझे बताएं कोई आपका कोई ऐसा कमर्शियल शो हो जो आपकी यूथ को मोटिवेट करे टेक्नोलॉजी के ऊपर? ऐसे ये मतलब मेन इशू भी यही है, बात करने का मकसद भी है कि हमें टेक्नोलॉजी की तरफ, स्पेस साइंस की तरफ, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बताया ही नहीं हमारी यूथ को जा रहा, बताया ही नहीं जा रहा। दूसरे कंट्री इतनी तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं कि शायद 10 साल बाद हम अगर चाहेंगे भी कि हम उनके साथ मिलकर काम करें तो वो हमें अपने साथ मिलाएंगे ना, हम मिल पाएंगे। देखें अभी जैसे इंडिया के और US के एस्ट्रोनॉट्स जो उनसे हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जा रहे हैं, मतलब ये विजिट करने वाले हैं, आप क्या समझते हैं कि आने वाले टाइम में जैसे इस टाइम नासा जो है दुनिया की नंबर वन एजेंसी है, क्या इंडिया के कोलैबोरेशन के साथ क्या इसरो भी नंबर वन में या टू में आने वाली है? ऑफ कोर्स दे आर। देखें एक बड़ा सिंपल सा फैक्ट है ना कि जो ईगल्स फ्लाई विद ईगल्स, ठीक है ठीक है ना, अब हम पिजन है
ठीक है ना, हम वाकई पीछे तो ईगल कहते हैं वैसे। नहीं, हम कैसे ईगल हैं, हम उस साइड पे पहुंचे हैं। हाँ, मुझे बताएं हम उस साइड तक पहुंच पाए। हम तो शायद हंस लेते हैं कि भाई ये देखो ये उन्होंने क्रैश कर गए यार, वो क्रैश कर गए। ये नहीं देखते पॉजिटिव माइंड के साथ, नहीं सोचते कि यार उन्होंने ट्राई किया। हम स्पार को भी तो इसरो के साथ कोलैब कर सकती थी, वी आर नेबरिंग कंट्रीज। बिल्कुल, हम भी तो कोलैब कर सकते थे कि यार आप अपने साइंटिस्ट लाए, हम अपने लाते हैं, कोशिश करके देख लेते हैं। कोई नहीं, आप फेल हुए हैं, हमने JF-17 बनाया है, हम वो टेक्नोलॉजी यूज कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप वो बात कर रहे थे कि हमारे जो कमर्शियल शोज हैं, जो डोमेस्टिक शोज हैं, अब कोई एक शो उठा के देख लें, वो एक नादिया, जो नादिया थी उसका एक बड़ा वो मीम मशहूर हुआ था, जी आपने वो फॉर्मूला बना लिया है। नर्स के स्टूडेंट थे, और ये पिछले दिनों बड़ा इस पे हाइप हुआ था कि जी आपको अभी तक उस स्टूडेंट का नहीं पता लगा जिसने वो गाड़ी बनाई थी, जिसने वो फॉर्मूला वन एक उसने तैयार किया था। हम वो नादिया यासिर के पीछे पड़ गए कि जी इसको तो फॉर्मूला वन का नहीं पता। तो हमारी आवाम के ये हालात है, हमारी आवाम जो है ना वो हंसी मजाक में पड़ी रहती है। मतलब हम मीम्स बनाने में एक्सपर्ट हैं, मीम्स बनाने बनाने में बहुत एक्सपर्ट हैं। ठीक हो गया, लेकिन मीमर्स तो पाकिस्तान के मेरे ख्याल से टॉप वन में होंगे, टॉप वन में होंगे। अभी अभी आप बात कर रहे थे लाइक एस्ट्रोनॉट्स, हम बात कर लेते हैं, वो जा रहे हैं इंडिया और यूएस के, वो विजिट करने जा रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। हाँ, वो जा रहे हैं ना आप, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे सिर्फ इंडिया और यूएस नहीं है, ठीक है, मेक्सिको जिसे हम कहते हैं कि जी वो थर्ड क्लास कंट्री है, वो पता नहीं क्या करेंगे दुनिया में। उनके साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट जो है दे आर इन स्पेस स्टेशन। इटली है, स्पेन है, फ्रांस है, जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं दे आर ऑलरेडी अचीव्ड अ यार्ड स्टिक ना, उन्होंने एक यार्ड स्टिक बना दी है कि जी ये हमारा अचीवमेंट है, यहाँ तक हम पहुंच। इन कंपैरिजन टू डेट पाकिस्तानीज ने क्या किया? नहीं तो हमारा विजन नहीं है, क्या वजह? हमारा विजन नहीं है, ये तो सिंपली ये हमारा मैं नहीं मान सकता, ना आप मान सकते हैं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, आप पाकिस्तानी हैं, ये जो खड़े पाकिस्तानी और पाकिस्तान से प्यार ना करते हो, या ये ना चाहते हो कि हम भी दुनिया में अपना नाम करें, हमारा भी मिशन मून हो, मिशन स्पेस हो, चाहते तो हम हैं, लेकिन क्या वजह है कि हमारी जो स्पेस एजेंसी है बिल्कुल उस तरीके से काम करती नहीं नजर आ रही? यार मेजर रीजन फॉर डेट इज ना कि उस तरफ ध्यान ही नहीं देता कोई। बहुत बहुत बड़ी साफ सी, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के 75 इयर्स में एजुकेशन सिस्टम में ऐसी कौन सी डेवलपमेंट हुई है कि हम जो है वो अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करें कि यार दे आर ब्रिलियंट माइंड्स। हमारा दुनिया में सातवां सबसे बड़ा पूल है डॉक्टर्स का और इंजीनियर्स का, एंड ऑल आर ब्रिलियंट ब्रेन्स, दे आर गोइंग आउटसाइड। बिल्कुल ठीक है, कोई यूके जा रहा है, कोई कोई इटली जा रहा है, जिसको जहाँ पे जैक लग रहा है वो कह रहा है यहाँ पाकिस्तान से निकलो यार। हाँ। क्योंकि हमने अपनी यूथ को उस तरह डेवलप ही नहीं किया, हमने कभी कोशिश ही नहीं की, विजन नहीं दिया। मैं बात करता हूँ विजन की, हमने विजन नहीं दिया। उनको विजन कैसे मिला अगर आज वो यूएस के साथ मिलके, वो अगर नासा के साथ मिलके प्रोजेक्ट कर रहे हैं, नासा को उनकी जरूरत पड़ गई है, उनके पास ये विजन कैसे आया? वो अपने आप को उस लेवल पे, आज अगर हमारे स्पार्को की कोई बात करे कि भाई नासा के साथ मिलकर प्रोजेक्ट करने जा रहा है, कोई मतलब नासा मानेगा या कोई इमेजिन भी कर सकता है? यहाँ पे तो ज्यादातर लोगों को स्पार्को का भी नहीं पता होगा। बिल्कुल, स्पार्को का भी नहीं पता होगा, पाकिस्तान की भी स्पेस एजेंसी है जो काम कर रही है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का भी नहीं आइडिया होगा? नहीं आइडिया, प्ले स्टेशन का आइडिया होगा, प्ले स्टेशन का आइडिया फिर बच्चे बच्चे को है। असल में मसला वही आ वाली बात है ना, वीएन, हमारा वीएन जो है ना, उनका क्या और हमारा क्या? उनका विजन बड़ा सिंपल है, वो अपने आप को एशिया के टाइगर मानते हैं, और देखें कॉन्फिडेंस जो है ना वो आपको बड़ा बूस्ट करता है। अगर आप, आपका वजीर आजम जो है वो बाहर जाके लोगों से भीख मांगे, उनका वजीर आजम बाहर जाके कोलैब कर रहा है कि जी आए हम ये करें, और बड़ी रिस्पेक्ट दी जा रही है, जो बाइडन उसके साथ मुसाफा कर रहे ऐसे यार फर्स्ट लेडी और इसी के हाँ, से वो और ये भी तुर्की गए हैं आम का तोहफा लेके, तो वहाँ पे भी वो वजीर आजम आपका दो दिन पहले वो एक जो इन्होंने कर्जा वाली स्कीम में बांटे हैं कि जी हम दुनिया में जा जाते हैं लोग हमें मंगता समझते हैं, शक्ल देख के कह देते हैं जी हम मंगते हैं, तो जब आपका विजन ही मंगतों वाला रहना है तो आपने स्पेस स्टेशन कैसे फतह करने हैं? ऐसे ही है। मून पे देखें वो पहला कदम, वो अभी तक जो है कॉन्स्पिरेसी रही है कि जी अमेरिका मून तक कभी पहुंचा ही नहीं था, वो सारा एक सेटअप था, वो सारा एक सेट था, बोंगी थी, लेकिन देखें उन्होंने बोंगी बोंगियों में वो अगले पहुंच गए हैं, पहुंच गए हैं। इलॉन मस्क जो है स्पेस एक्स जो है अभी नासा से आगे है, नासा उसके साथ कोलैब कर रहा है, ही इज अ प्राइवेट पर्सन। बिल्कुल ऐसे ही, यहाँ पे जो हाँ यहाँ पे जो प्राइवेट पर्सन है वो मलिक रियाज है, ही इज अ प्रॉपर्टी टाइकून। प्रायोरिटीज का फर्क है ना, यहाँ पे प्रायोरिटीज हैं कि जी वो रियल एस्टेट को बूम दिया जाए, अपने पैसे गायब किए जाएं, ठीक है, ब्लैक मनी को वाइट कैसे करना है, यहाँ पे प्रायोरिटीज ये हैं। यहाँ पे आवाम के लिए देखें आप रीसेंट बजट में, ठीक है, 26 अरब इस फॉर एजुकेशन, 82 अरब जो है वो आपका सेहत पे है, और 1802 अरब जो है वो डिफेंस पे है। अगर आप 1802 में से आप ज्यादा नहीं, आप 100 अरब निकाल लें कि जी हमने स्पेस में जाना है, ठीक, ओहो 100 अरब निकाल के ट्राई करनी है, हमने एक मिशन बनाना है जो इस दफा नहीं कामयाब होगा नेक्स्ट टाइम होगा, और द टाइम देखें एडिसन जो था उसने 1000वीं अटेम्प्ट में उसने बल्ब बनाया, ठीक हो गया, ठीक है, अगर वो
सौवीं दफा छोड़ देता, 500 दफा छोड़ देता, 600 दफा छोड़ देता, उससे बल्ब नहीं था बनना, बल्ब नहीं था बनना। तो ये पहली अटेम्प्ट भी कहते हैं कि जी वो ये हमारी प्रायोरिटी में नहीं है, हमारी वहाँ इस साइड पे था। जी जी, आवाम हमारी जो है वो भूख से हमारी इधर आ जाए, ताकि ये है कि पब्लिक में थोड़ा हम अवेयरनेस ला सके। मुझे ये बताएं कि क्या हमें क्या करना चाहिए ऐसा कि हम भी जो है सीख सकें, दुनिया जिस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ, स्पेस साइंस की तरफ जा रही है। मैं ये कह सकता हूँ कि ये सब इधर आई थिंक स्टूडेंट होंगे मोस्टली, आप स्टूडेंट हैं भाईजान। अच्छा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या चीज़ है, आपको कोई आईडिया इस बारे में? नॉलेज आप स्टूडेंट हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या चीज़ है इस बारे में नहीं ना पता, नॉलेज नहीं है। ठीक है, ये देखना आप, इसका इनका कसूर नहीं है, दे आर जस्ट कॉमन पीपल ना। मैंने आपको वो बात की ना, हमारे जो डोमेस्टिक शोज हैं, हमारे जो कमर्शियल शोज हैं, वो अभी भी वो सास बहू वाले, वो एक प्यार मोहब्बत वाले उस इमेजिनरी एक किस्से में फंसे हुए हैं। अमेरिकन जो है ना, अमेरिकन और दुनिया में जितनी तरक्की याफ्ता जो नेशंस हैं, वो अपनी यूथ पे बड़ा काम करती हैं, वो यूथ को मोटिवेट बड़ा करती हैं, यूथ को जो है ना वो इस तरह के प्रोग्राम्स लेके आती हैं कि वो उसमें एंगेज हों। वो सोशल मीडिया को इस काम के लिए यूज किया जाता है कि मतलब एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। इंडिया की अगर बात करें, वो भी मोस्टली सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस लेके इंडिया। अच्छा, सो इंडिया आप देखें कि दुनिया के जितने बड़े सोशल मीडिया इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने बड़े सोशल मीडिया टाइकून्स हैं, ट्विटर का सीईओ इंडियन है, डॉब का सीईओ इंडियन है, यूट्यूब का सीईओ इंडियन है, गूगल का सीईओ इंडियन है, इंडियन है, दे ऑल आर इंडियंस, पाकिस्तानी किधर है? इसके अंदर भी एक रीजन क्या है, वजह क्या है कि मतलब क्या इंडियंस ही मिलते हैं पूरी दुनिया को इंडियंस का? देखें, उनका रीजन ये है कि आज से 30 साल पहले ना, उन्होंने अपने जो थे कौम को, उन्होंने नेशन को बताया कि जी आपने स्टार्टअप लेना है, आपने बच्चों को पेट काट काट के पढ़ाना है। आईआईटी जो है उनकी एक है वो दुनिया की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में से है। हम इधर यूईटी में एडमिशन के लिए रोते हैं जो दुनिया की 500 टॉप यूनिवर्सिटीज में नहीं आती। और यूईटी के भी मैकेनिकल और जो मेकाट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वाले ग्रेजुएट्स हैं वो किधर जा रहे हैं? इतना इतना बड़ा बैच निकलता है, 200 बंदों का एक बैच निकला है, वो 200 बंदे कर गए रहे हैं भाई। जो उन्होंने 30 साल पहले कहा कि आपने पेट काट के बच्चों को एजुकेशन देनी है, आपने विजन देना है, हमने 30 साल पहले क्या किया? हमने 30 साल पहले आप देख लें क्या किया? नहीं, फिर भी हमारा क्या विजन रहा? 30 साल पहले रिमाइंड कर लेते हैं। सर, एटम बम देखें, वो आपकी जरूरत नहीं थी। अच्छा, आप कह रहे हैं जरूरत नहीं थी, हम यहाँ पूरी दुनिया को अगर ललकारते हैं तो यही कहते हैं कि हम एक एटॉमिक पावर। बांग्लादेश के पास एटम बम है? नहीं, अभी तो नहीं। बांग्लादेश की इकोनॉमी किधर है? हमारे से आप अभी खोल के देखें, टका किधर है? ठीक है, अफगानिस्तान अफगानिस्तान ने तो एटम बम नहीं बनाया, सोवियत आए उन पे। बेचारों ने फेस किया ये सारी चीजें, अफगानिस्तान वालों ने तो ये फिर ड्रोन अटैक फेस किए, और यूएस की मिलिट्री वहां पे रही, रशिया, उन्होंने सारा कुछ फेस किया। ठीक है, वो एक जंगजू नेशन थे, उन्होंने उसी तरह फाइट फूट करके आज वो देखें वो बैठे हुए हैं। आप अपने हमसायों को देख लेना, ईरान को देख लें, उस पर सेंक्शन लगेंगे जी, आप यूरेनियम जो है वो कंज्यूम नहीं करेंगे, इस तरह इनरिच नहीं करेंगे। वो उन्होंने कहा ठीक है जी, हम किसी दूसरे पर्पज के लिए इस्तेमाल, वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स बना रहे हैं, वहाँ बिजली चाह रही है। ठीक है, यहाँ पे जो लोग हैं सिर्फ एक दफा वो विजिट कर लेना कि ईरान कैसा है, ठीक है, तो वो पाकिस्तान भूल जाएंगे। ठीक हो गया, वो पाकिस्तान भूल जाएंगे। एक दफा अगर इंडिया का विजिट कर लें और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को देख लें, वो अरविंद केजरीवाल जी, वो जो दिल्ली का मिनिस्टर है, आम आदमी वाला, ठीक है, वो इंडियन के जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं, उन्हें अमेरिका भेज रहे ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, वहाँ पे पहले भी शायद जाते थे आई थिंक, लेकिन नहीं, देखें पहले उनका जो जाने का एक रेशो था ना, जो एक रुझान था, डेट वॉजेंट इतना ज्यादा नहीं था। ठीक है, ठीक है ना, उन लोगों में एक वही उधर भी यही मसले रहे हैं, करप्शन, महंगाई और भी ये होंगे, लेकिन वो दुनिया पे इतना उसको इस तरह एक्सपोज नहीं करते। ठीक है, वो दुनिया को अपनी प्रोग्रेस ही दिखाते हैं कि जी आज हमने ये अचीव किया, आज ये अचीव किया। हम अचीव कर रहे हैं या सिर्फ दिखाते हैं? वो सर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो एशिया में इतनी बड़ी इकोनॉमी है ना, चाइना और इंडिया, अब आज आपस में बैठ के, अब आपको पता शायद होगा, शायद सीपैक पर चाइना ने इन्वेस्टमेंट अपनी बंद करने लगा, क्योंकि इंडिया जो है वो दे आर गेटिंग क्लोज टू चाइना। जो पैसा उन्होंने क्या पाकिस्तान में आपने इन्वेस्ट किया वो आप हमारे साथ करें। अच्छा, ये इंडिया चाइना को कह रहा है? तो सर वो मेरी बात सुने, आपका वो एक बड़ा एक वो बने हैं ना, तो हमारा आयरन फ्रेंड है वो इंडिया, पहले नंबर पे मैंने ये खबर सुनी नहीं कि वो चाइना को कह रहा है कि हमारे साथ आके इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन कहेगा तो क्या पाकिस्तान को छोड़ देगा चाइना? सर पाकिस्तान को देखें, चाइना छोड़ देगा? अच्छा, छोड़ देगा, आपके पास कोई विजन ही नहीं है ना, आप सारी उनकी इन्वेस्टमेंट पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे चाइनीज इंजीनियर्स ने आके काम किए हैं, पाकिस्तानी इंजीनियर्स किधर हैं? पाकिस्तानी सिर्फ लेबर है, बिल्कुल, वो दिहाड़ीदार मजदूर है जिसने सुबह से शाम तक पसीना बहाना है, काम करना है, उसको शाम को पैसे मिलने हैं, उसने सो जाना है। यानी इंजीनियर सारा, मैनेजमेंट सारा चाइना के पास है, इंजीनियर चाइनीज, और जो हमने सरिया उठाना है या वजन उठाना है वो हमारे मजदूर है। तो देखें, अब भी रिसेंटली जब मोदी गए हैं दुबई, वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं कि इंडियन जो है ना वो 10,000 इंडियन लेबर
दुबई मंगवाएगा। ठीक है ठीक है, तो आप मुझे बता दें पाकिस्तान का कोई हुक्मरान गया हो फॉरेन और वो ये कोई इस तरह का कोई इस तरह का कोई जो है लोगों के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करके आया हो कोई नहीं कोई ऐसा और रुझान नहीं, नहीं, नहीं हमारे भी तो बाहर जाते हैं या जाने की कोशिश करते हैं। अभी रिसेंटली 300-400 के करीब खबर आई वो ग्रीस में जो ग्रीस में जो डूब के मरे हैं। अब भी जो कल एक एंग्रो का जो ओनर है एंग्रो का ओनर और उसका बेटा जो टाइटैनिक का वो मलबा देखने गए थे वो डूब गए हैं। ठीक है, $250,000 की टिकट थी। ठीक है, दो बंदों का $500,000 हो गया। हाँ हाँ। अब आप मुझे बताएं कि एक $500,000 एक पाकिस्तान की एक प्राइवेट कंपनी का ऑनर स्पेंड कर रहा है। हाँ हाँ। सिर्फ एक मलबा देखने जाने के लिए 3800 मीटर नीचे। ठीक है, वो लोगों की प्रोग्रेस के लिए भी तो खर्च। हाँ, एक और मजे की बात, इन कंबाइन रतन अंबानी और रतन टाटा मुकेश अंबानी इन दो कंपनियों का जीडीपी हमारे मुल्क से ज्यादा है, रिलायंस ग्रुप और टाटा ग्रुप। बिल्कुल, मुझे आइडिया है इस चीज का, लेकिन ये चीज ये जो आप बात कर रहे हैं मुझे अच्छा लगा आपका जो विजन है आपकी सोच देखे, लेकिन ये आम पब्लिक को जब बताया जाता है तो वो ये कहते हैं कि भाई इंडिया 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 क्या इंडिया इंडिया, ठीक है वो सब फेक है, ये सब दिखाने के लिए हो रहा है, ये इंटरनेशनल साजिश है, हम इंडिया से आगे हैं, हमारे पास जज्बा है। सर आम आदमी को आप कभी डीएच लेके जाए ना, आम आदमी को कभी यहाँ पे रिक्शा चलाते उसे डीएच तो लेके जाए। ठीक है, वो वही देख के कह देगा यार हम तो बहुत आगे हैं। ठीक हो गया। अभी उसने ये नहीं देखा कि इंडिया में जो है मिलेनियर्स की तादाद क्या है। बिल्कुल, इंडिया में सुपर कार किस तरह फिर रही है, इंडिया में मिलेनियर्स के लाइफस्टाइल क्या है, यहाँ पे डीएचए में जो रहता है वो ही इज कंसीडर्ड टू बी अ इंसेंट्रिक रिच, ये पता नहीं उसके पास कितना पैसा है। शायद वो पाकिस्तान में अमीर होता है वो समझता है शायद पूरी दुनिया में मैं। अभी बाजवा के साथ फ्रांस में क्या हुआ है, आपकी ये टके की इज्जत है बाहर अगर आप निकलते हैं आपकी तो कोई इज्जत ही नहीं करता। उनके जो प्राइम मिनिस्टर गए हैं अभी विजिट पे गए हैं, मैं कह रहा हूं कि वहां पे एलन मस्क की आपने बात की, वो उसकी कल स्टेटमेंट उनकी आई थी, उन्होंने बोला कि मैं फैन हूं इनका इंडियन प्राइम मिनिस्टर का। तो सर अभी इलॉन मस्क जो है टेस्ला दे आर थिंकिंग अबाउट कि हम इंडिया में अपना प्लांट शुरू करें, क्योंकि इंडिया इज अ बिग मार्केट। बिल्कुल, नो डाउट इंडिया की आबादी हमारे से ज्यादा है, इंडिया का रकबा हमारे से ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान अगर आबादी में 6वें नंबर पे है तो इकॉनमी भी 6वें नंबर पे आ जाए। इकॉनमी 6वें नंबर पे नहीं आएगी ना सर, आबादी ज्यादा है। जो लोग आबादी की बात करते हैं कि भाई उनकी आबादी ज्यादा इसलिए वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप क्यों कंपेरिजन करते हो, ये पहले नंबर पे तो हम कंपेरिजन नहीं करते, हम ये कहते हैं कि भाई अगर वो डेवलपमेंट कर सकते हैं जिन्होंने हमारे साथ सफर स्टार्ट किया। सर देखिए कंपेरिजन बनता ही इंडिया और पाकिस्तान के, आप दो आज के दौर में बन रहा है जैसे वो प्रोग्रेस कर चुके हैं। आज के दौर में तो हम अभी जब यूक्रेन और रशिया वॉर लगी है तो वहाँ जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने आप को इंडियन रिप्रेजेंट किया है कि जी हम इंडियन हैं, तो ये तो आपकी इज्जत है, उसके हालात हैं और वो उसके थ्रू वापस आए, उसके थ्रू ही वापस आए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी इसकी देखें क्या आपका पासपोर्ट कितने कंट्रीज में आपको जो है वो बेचता है, वो कीनिया कुनिया युगांडा युगुंडा फिर सकते हैं विदाउट वीजा। तीन कंट्रीज हैं उनके बाद हमारे पासपोर्ट, मतलब लास्ट से अगर मैं बात करूं तो तीन कंट्रीज के बाद हमारा पासपोर्ट है जिसकी वैल्यू है सबसे एंड पे। हाँ, इसकी रीजन क्या है ग्रीन पासपोर्ट की इतनी कम वैल्यू? सर बड़ी जो एक मेजर एटॉमिक पावर कंट्री की इतनी कम वैल्यू, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ठीक है ना, देखें आपके मुल्क में ना कोई ऐसा हुक्मरान ही नहीं आया जिसके पास विजन हो कोई। ठीक है, वो जुल्फकार अली भुट्टो साहब के पास एक विजन था जी हम घास खा लेंगे लेकिन एटॉमिक पावर बनेंगे। ठीक है, तो बंद हो गए। उन्होंने अगर उस टाइम ये सोचा होता ना जी हम घास खा लेंगे लेकिन हम एशिया के टाइगर बनेंगे तो ये नैरेटिव थोड़ा डिफरेंट होता। ठीक हो गया, हम टेक्नोलोजी पे काम करेंगे, हम आईटी को। हाँ, आपकी दौड़ सिर्फ रही एटॉमिक बम तक। ठीक है, इंडिया ने आज एक्सपेरिमेंट कर लिया, हम भी एक्सपेरिमेंट शुरू कर दें। इंडिया भाई उस टाइम पे देखें कर क्या रहा था। ठीक है, जब यहाँ पे जियाउल हक का कूप हुआ तो क्या नाम था उसका, वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो इंदिरा गांधी ने अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बुलाया और उसने उससे पूछा कि जी व्हेन आर यू टेकिंग ओवर। ठीक है, तो उसने बड़ा सिंपल सा जवाब दिया, आप अपना काम करें मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं किसी इदारे को टारगेट नहीं कर रहा। नहीं, इदारे को टारगेट करना भी नहीं चाहिए, इदारों की रिस्पेक्ट करेंगे तो ही पाकिस्तान की रिस्पेक्ट होगी, लेकिन कहीं पे कोई गलत अगर होता है उसे पॉइंट आउट करना। सर देखे ना, यहाँ पे गलत को पॉइंट आउट करें तो वो क्या करते हैं हम अपने हुक्मरानों को, चले हुक्मरानों की बात कर लेते हैं ना, हम हुक्मरानों से मुखातिब होकर कह रहे हूँ कि जी आपने 70-75 सालों में अपनी यूथ को किस चीज के लिए मोटिवेट किया, अपनी यूथ को आपने क्या विजन दिया, अपनी यूथ को आपने बताया कि आईटी एक फील्ड है, अपनी यूथ को आपने बताया कि स्पेस में स्टेशन भी है, अपनी यूथ को आपने बताया ही नहीं है। वो क्या इकबाल का एक शेर है, सितारों से आगे जहान और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। ठीक है, तो सितारों से आगे वाले जो जहान है वो गैर मुस्लिम जो है ना, जिन्हें हम कहते हैं जिनका कोई दीन ही नहीं है जी। हाँ, हमें ये बताया जाता है कि वो तो हमारे बुला दीन है जी, वो जन्म में ही जाना है उन्होंने यार। ठीक है, वो आखिरत के मामला हैं, अभी दुनिया के मामला तो आप सीधे करें ना। वो मुसलमानों पर जी एक टाइम पे बड़ा अरूज था, वो किधर गया आज वो अरूज? ठीक है, एज अ नेशन वी आर टोटल फेलियर।
ठीक है ना। आपने बोला सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, हमने पहले वाली लाइन को शायद भूल गया कि सितारों से आगे जो जहां है उनको थोड़ा देखा जाए, एक्सप्लोर किया जाए। नहीं नहीं, हम इश्क के जेन्युइन इश्क के इम्तिहानों में है ना। यहाँ पे 80% यूज जो है वो टिकटॉक पे लगी हुई है। ठीक है, दो सोशल मीडिया इज अ वेरी रिलायबल सोर्स के आप उस पे जो है एजुकेशन बड़ा आप आम कर सकते हैं। हर बंदा जो है वो आईटी इज इंफॉर्मेशन। टिकटॉक भी मैं कहता हूँ यूज की जाए, लेकिन उसमें कंटेंट कैसा दिया जा रहा है, एजुकेशन को कैसे प्रमोट किया जा रहा है या वल्गैरिटी को प्रमोट किया जा रहा है? आप मुझे बताएं। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि ये देखने की जरूरत है। मुझे कोई जो है एक जुनेद अकरम के अलावा पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कोई ऐसा एक बंदा है जो कोई अच्छा कंटेंट बना रहा है। ठीक है, दो के उस बंदे की भी एक स्ट्रगल है। ठीक है, उस बंदे के पॉडकास्ट अच्छे हैं, वो बंदा आपको ठीक बता रहा है। ठीक है, लेकिन देखें एंड पे वही है कि आवाम फ्रस्ट्रेटेड बहुत है, क्योंकि इस आवाम को एंड पे कोई विजन दिया ही नहीं गया। विजन दिया ही नहीं, आटा वो रोटी कपड़ा और मकान, ये शुरू से एक नारा है, बहुत बड़ा विजन है। शुरू से एक नारा ये है रोटी कपड़ा और मकान। रोटी का वादा अलग है, ठीक है, कपड़ा जो है आदम जो जब जमीन पे आया था कपड़ा उसके बाद नहीं था, उसने ओवर द टाइम बहुत सारी चीजें बना ली। लेकिन आज हम रोटी कपड़ा और मकान भी फंसे, हम अपने नेबर से, आपने ईरान की बात की, क्यों नहीं सीख लेते? इंडिया से तो वैसे ही नहीं हमने सीखना जी, वो तो दुश्मन है, उसका तो नाम भी नहीं लेना। उसका तो नाम ही नहीं लेना, चाहे वो जितना मर्जी डेवलपमेंट में आगे चला जाए, और हमने दुश्मनी में हमने ये एक्सेप्ट ही नहीं ना करना कि वो हमारे से आगे है। अच्छा, ये इसका नुकसान उन्हें होगा, इसका नुकसान उन्हें आप देख लें। आई थिंक इन द कमिंग डिकेड जो है वो चाइना को जो है वो कहेंगे कि भैया हम अब हम हैं। ठीक है, दे आर आई थिंक दे आर द कमिंग सुपर पावर चाइना के साथ। उन्होंने देखे ये एक ना वो इंसानी नेचर है, या आप कह लेंगे जो जियोपॉलिटिकल जो एक सिचुएशन है, जियोपॉलिटिकल जो एक सिचुएशन है वो आप अपने साथ उसी को रलाएंगे जो पावर में है। ठीक है, आप कभी नहीं चाहेंगे कि मेरे साथ एक लंगड़ा बंदा खड़ा हो, कल को मेरी जंग लगे तो वो लंगड़ा दौड़ दे। ठीक है, और वो लंगड़ा दौड़ भी जाए वो दौड़ जाएगा, ऑब्वियसली वो दौड़ेगा। ठीक है, तो इंडिया देखें, इंडिया अगर वो बात करता है ना कि जी हम जो है आगे हैं, अभी जब ये गए हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब, तो हाँ वो फॉरेन मिनिस्टर उनका जो डॉक्टर है उसने किस तरह उनका जो है इस्तकबाल किया, उन्होंने तो सलाम करना भी जो है मुसाफा करना भी उन्होंने जरूरी नहीं समझा। और उसके ऊपर प्रॉपर एक इंटरव्यू में उनके फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट भी दिया कि ये डिपेंड करता है कि आप मिल किससे रहे हो। हाँ, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बोला, वहाँ के यूट्यूबर से वो इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने बोला, उन्होंने सवाल किया कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आए थे, आपने जिस तरीके से उनके साथ वेलकम किया या मुलाकात की, आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने बोला कि भाई ये डिपेंड करता है कि आगे मैं मिल किससे रहा हूँ, उस हिसाब से मैं मिलता हूँ। यानी कि वैल्यू अगर बनानी है, पहले अपनी वैल्यू बनाए, फिर वो अगला आपकी रिस्पेक्ट। ऑब्वियसली ऐसे ही है, वो पंजाबी से कही ना जीनू जीए। बिल्कुल, आप इंडिया को आंखें दिखाएं जी, वो कश्मीर इशू ये तो वो ठीक है, कश्मीर 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 एक इशू है, नो डाउट कश्मीर एक इशू है, तो टेबल टॉक के थ्रू हल होना चाहिए। सर टेबल टॉक, मेरी बात सुने, कितने आपके यहाँ पे पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने टेबल टॉक की कोशिश की है? ठीक है, कितने आपके यहाँ पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने यहाँ कोशिश की है कि जी हम कोई पीसफुल जो है उसका रेजोल्यूशन लेके आए, या हम कोशिश करें करते हैं जज्बाती के हम लाल किले में झंडा? सर मेरी बात सुने, आप कश्मीर आजाद ना करवाएं, आप छोड़ दें। ठीक है, हमें चाहिए ही नहीं कश्मीर। मुझे बताएं कश्मीर लेके क्या मिलेगा आपको? कोई उधर सोने की कहानी है? बात कर रहे हैं ये देखने वाला कोई आपको ये ना कहिए क्या बात कर रहे हैं? सर 70 साल एक नारा लगाते रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आप कह रहे हैं चाहिए नहीं? 75 सालों में आपके हालात ये हैं कि आप अपनी इमाम को वो आटा दे रहे हैं तो जानवरों को डालते हैं आप। ठीक है, तो कश्मीरियों को भी यही देंगे, लेकिन उम्मत मुस्लिमा तो है ना? वो यार उम्मत मुस्लिमा है तो उम्मत तो फिर आप जा तो करें ना, फिर बर्मला करें। हाँ। फिर आप ओपन करेंगे। चार दफा किया हमने जंग की, क्या हुआ कारगिल में? क्या हुआ था आपके साथ? हाँ। क्या हुआ था? वो जब फौजें आपने नीचे बुलाई थी 71 में सकूतर रखा हुआ, 90,000 फौजियों ने सरेंडर किया 93 ने जी, तो क्या हुआ? ठीक है, आप बांग्लादेश आपने बना दिया, कश्मीर आजाद नहीं हुआ। ठीक है, यानी कश्मीर आजाद करने के चक्कर में हम वो एक अपना वो गवाह बैठे हैं। ठीक है, अब जो आपकी बात है ना कि विजन जो है ना हमारी, एज अ नेशन वी आर अ टोटल फेलियर। हमारी नेशन का कोई विजन नहीं है। ठीक है, हमारे हुक्मरानों का कोई विजन नहीं है, तो ये आएगा भी नहीं विजन। मतलब हम ऐसे ही बात ही करेंगे, वो भी कोई 100 में से कोई एक बंदा ऐसा होता है जिसे ऑथेंटिक बात का पता होता है और प्रॉपर लॉजिकल बात करता है, अदरवाइज बाकी तो सारे यही कहते हैं कि इंशाल्लाह जज्बे के साथ ये कर देंगे, इंशाल्लाह जज्बे के साथ। सर जज्बों के साथ तो देखें फिर कुछ नहीं होता। वो ईरान का जज्बा हो लेकिन साथ आप टेक्नोलॉजी पे भी काम करो, इकोनॉमी पे भी काम करो, खाली जज्बे के साथ। सर जज्बे से आपने कश्मीर क्यों नहीं आजाद करवाया? जज्बा तो 75 साल का जज्बा है। हाँ। 75 साल का जज्बा जो था उससे तो कश्मीर आजाद हो जाना चाहिए था। ठीक है, 75 साल के जज्बे ने आपको क्या दिया? अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान की विजन में, सोच में एक फर्क ये भी मैंने नोट किया, जैसे हम स्टडी करते हैं कि वो अगर एक कंट्री के साथ रिलेशन बेहतर करता है तो ये नहीं है कि दूसरे के साथ वो खराब कर